A very good morning, Vivians. How are you all? All fine. Stay home. Be safe. Class again. In previous class, we discussed English with the chapter number 11. Chapter number 11 in the previous class. We dekha tha second class. Now second class. Today we start a new chapter. Chapter number 12 of English reader. Chapter number 12 of English reader ka dekhenge. So listen this video carefully till the end. एंड तक आपको ये वीडियो सुनना है. इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 12 क्लियर करने वाली हूँ सेकंड क्लास. आई होप ऑल ऑफ अंडरस्टैंड. जिसे नहीं समझ में आ रहा है वो इस वीडियो को वन टाइम टू टाइम्स आप सुन सकते हो अच्छे से. सो सेकंड क्लास हमारा चैप्टर नंबर 12 है हाउ डिड इट हैपन. ये कैसे हुआ. ठीक है, हाउ डिड इट हैपन, ये कैसे होता है. तो ये बहुत अच्छी सी पोएम है, स्वीट पोएम है. सबको रीड भी करनी है और लर्न भी करनी है घर पे. सो लिसन केयरफुली पेज नंबर 81. Once I grew very very tall, my lovely sister seems a doll. I jumped up high to touch the sky. What I say is not a lie. Once I grew very very tall, एक समय जब मैं धीरे धीरे बड़ा होता था, my lovely sister seems a doll. जो मेरी प्यारी सी जो बहन थी वो कैसी दिखती थी, डॉल जैसी दिखती थी. I jumped up high to touch the sky. मैं sky को touch करने के लिए क्या करता था, उस time पे jump करता था. और जो ये मैं बातें बोल रहा हूँ, what I say is not a lie, वो मैं वो झूठी बातें नहीं है. जब मैं धीरे धीरे बड़ा होता हूँ तो मेरी बहन कैसे दिखाई देती है, डॉल जैसे दिखाई देती है. और मुझे स्काई को टच करने के लिए क्या करना होता है, जंप करना पड़ता है. और ये सारी बातें झूठी नहीं है. लेटर आई ग्रू वेरी लिटिल मोर. आई कुड नॉट सी हर एनी मोर. क्रीमी क्लाउड स्प्रिंकल्ड आइस क्रॉलिंग स्टार्स रोल्ड ऑन माय आईज. लेटर आई ग्रू लिटिल मोर. धीरे धीरे मैं जैसे ही बड़ा हुआ, आई कुड नॉट सी हर एनी मोर, मुझे वो कहीं नहीं दिखाई दी. क्रीमी क्लाउड स्प्रिंकल्ड आइस क्रॉलिंग स्टार्स रोल्ड ऑन माय आईज. क्रीमी क्लाउड मतलब मलाई जादार, क्रीमी कलर जिसकी होती है ना, जैसे मलाई का कलर होता है, क्रीमी क्लाउड वैसे ही बादल थे. स्प्रिंकल्ड आइस चमकीली चमकीली बर्फ टाइप थी, चमकीली बर्फ जैसे दिख रहे थे. क्रॉलिंग स्टार्स रोल्ड ऑन माय आईज, जो स्टार थे वो रेंगते रेंगते हुए मेरी आंखों से जा रहे थे. Then I grew a giant of all. I prayed to God to make me small. Then I grew a giant of all. मतलब मैं जब मैं बहुत बड़ा विशाल बड़ा हो गया सबसे, तो मैं भगवान से प्रे करने लगा कि मुझे make me small, मुझे छोटा कर दो. Soon I woke up with a scream and to know that all was just a dream. Soon I woke up with a scream to know that all was just a dream. जैसे ही मैं बड़ा हुआ, हुई आवाज में जैसे ही मैं बड़ा हुआ, तो मुझे क्या पता चला है कि मैं क्या देख रहा था, सपना देख रहा था. क्या देख रहा था, सपना देख रहा था. तो ये सारी जो बातें हुई, हाउ डिड इट हैपन, तो ये सब किस में हुआ, पॉइंट के सपनों में ये सारी चीजें हुई कि वो धीरे धीरे बड़ा हुआ. जब वो छोटा सा था, छोटा छोटा सा था, तो उसकी बहन उसको गुड़िया जैसे दिखती थी और उसको बादल को टच करने के लिए जंप करना पड़ता था. और ये सारी बातें वो सच बोल रहा था. जैसे जैसे वो बड़ा हुआ तो उसकी बहन उसको कहीं नहीं दिखाई दी. और जो उसकी आंखों के सामने से तार रेंगते हुए, जैसे जो बोलते ना धीरे धीरे रेंगता रेंगता हुआ स्टार उसकी आंखों से निकल रहे थे, चमकीली बर्फ टाइप दिख रही थी, मलाईदार बादल जो दिख रहे थे बिल्कुल मलाईदार दिख रहे थे. तो जैसे ही वो बड़ा हुआ, विशाल बहुत लंबा बड़ा लंबा छोड़ा बड़ा हो गया, तो वो भगवान से प्रे करने लगा है कि उसे छोटा सा बच्चा बना दो. फिर उस क्या हुआ, जब वो एकदम से उठा चीखती हुई आवाज में, तो उसको क्या लगा कि वो क्या देख रहा था, वो सपना देख रहा था. तो सेकंड क्लास सबको समझ में आया. लिसन दिस वीडियो केयरफुली सुनो और घर पे इस पोएम को रीड करेंगे अच्छे से. मैंने आपको पोएम अच्छे से क्लियर कर दिया है, आपको भी घर पे रीड करना है और लर्न करना है. ठीक है, हम रीडियो वर्क सीनियर नोटबुक.